नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज में चुनाव कवरेज कर रहे पत्रकार पर हमला, भाजपा कार्यकर्ता ने हमला कर दिया। निजी चैनल के पत्रकार चुनाव कवरेज कर रहे थे, तभी दबंग भाजपा समर्थक ने उनका कैमरा छीन लिया व मीडिया पास भी फाड़ दिया। जबरन कवरेज करने से रोकने लगा तो मौजूद लोगों ने उसकी जान बचाई। पीड़ित पत्रकारों ने भाजपा नेता पर लगाया दबंगई दिखाने का, मुस्लिम महिला मतदाताओं से अभद्रता का भी आरोप लगाया। सदर विधानसभा के SBS कॉलेज पोलिंग बूथ पर पत्रकार फैसल कुरैशी पर हमला हुआ। पूरे मामले में SDM पल्ला झाड़ते नजर आए, साथ ही हमले से जिले के पत्रकारों में रोष पनपने लगा। पत्रकार सहायता एसोसिएशन के कहना है कि पूरे मामले में हमलावर पर कड़ी कार्रवाई ना हुई, संगठन खामोश नहीं बैठेगा। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। क्या ये हाथ में क्या है ये बात? ये कैसे क्या हुआ? अभी सांसद जी आए थे, उनके साथ में कुछ लोग मौजूद थे और मैं यहाँ पर कवरेज कर रहा था तो वीडियो शूट करने से उन्होंने मना किया, मेरा मोबाइल छीना। हालांकि थोड़ी देर के बाद वापस गए लेकिन कार्ड आर्ड सब फाड़ दिया और चले गए। ये कहाँ का मामला है? ये SBS पोलिंग का मामला है। यहाँ पे फिर पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं था क्या? पुलिस प्रशासन मौजूद था, प्रशासन के लोग सांसद जी से बात कर रहे थे। इसी बीच उनके कार्यकर्ताओं ने अभद्रता कर दी और ये कहा कि जो है चुनाव के बाद तुमको देख लेंगे और ये जो कर रहे हो ये सब ठीक नहीं है, बनाने नहीं देंगे, और काना नोच के वहां तपाई की है मुझसे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24।